हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। ये व्लॉग तो बनाना नहीं था हमें, हम सोचे सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी, बट इतना मजबूर हो गया ना कि मतलब अभी के अभी बनाकर और अभी अपलोड करना पड़ा ताकि आप सबको भी पता चले और आपके साथ भी ऐसा स्कैम ना हो। तो एक्चुअली हम यहाँ पर गोवा में हैं और हम यहाँ पर स्टे कर रहे थे एक हफ्ते के लिए। वैकेशन ऑब्वियसली एंजॉय करने के लिए आए थे, बट प्रॉब्लम क्या हुआ, हम बाय कार आए थे एंड जो कार हमने बुक की थी वो था जूम कार एप्लीकेशन से, एंड हमें पता नहीं था कि वो इतना फ्रॉड एप्लीकेशन होगा कि इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी। हमें कार उनको डिलीवर वापस करना था 23 को सुबह 4 बजे, बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि हम वो कार उन्हें डिलीवर नहीं कर पाए। बट उसके 2 दिन पहले हमने उनको मैसेज भी किया था, कॉल पे बात किया कि हमको 2 दिन के लिए कार और एक्स्ट्रा चाहिए भी, और एंड वहां पर उन्होंने अप्रूव किया था उस टाइम पे, बट उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने वो चीज कैंसिल कर दी। यहाँ पर हमारा प्लान था कि 23 को ऑब्वियसली हमें चेकआउट करना है, तो चेकआउट करेंगे और निकल जाएंगे सुबह 6 बजे। सब लोग रेडी हो गए, बट कार जब ऑन करने की बारी आई तो कार ऑन ही नहीं हुआ। वो लोग ना सुबह 4 बजे कार को ना लॉक कर दिए थे, एक्चुअली के कार में GPS है ना, तो कार लॉक हो गया था और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, मतलब कुछ नहीं हो पा रहा था हमसे उस टाइम पे। तो हमें कुछ नहीं समझा कि क्या करना है, हमें लगा कुछ कार में फॉल्ट हुआ होगा, तो मैकेनिक आया, उन्होंने देखा, दो लोग आए थे, बट दोनों ने कहा कि हमसे नहीं हो पाएगा कुछ, अभी आप ही जानो कि क्या करना है आपको। तो जो दूसरे वाले मैकेनिक था उन्होंने कहा कि ये कार तो कंपनी से लॉक हुई है, तो आप वहां पर ही देख लो। लाइक लिटरली हम 24 घंटे से तंग हो गए कंपनी में फोन कर करके। वो लोग हमें सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं कि आधे घंटे में कॉल आएगा, 1 घंटे में कॉल आएगा, एक कॉल नहीं आया है हमें जूम कार की तरफ से। मतलब पूरे 24 घंटे, मतलब जितने बार हम बोले ना उतने बार एक तो सर सर मैडम मैडम करके थक गए हमारे। तुमको सर बोले, मतलब सर किसको बोला जाता समझता है क्या, इतना सर मैडम बोल के थक गए, लेकिन उनको तो कुछ मतलब ही नहीं। आप आधा घंटा और उनको 1 घंटे, को हमारी कंपनी की तरफ से 2 घंटे में कॉल आएगा, और ये भाई साहब लिटरली रात भर हमने कॉल किया कि कुछ तो होगा कुछ तो, लेकिन उनकी तरफ से कुछ भी रिप्लाई नहीं, बस आधे घंटे रुको 1 घंटे रुको। एंड अभी जो प्रॉब्लम क्या हो रही है, कार ओनर से हमारी बात हुई, वो बोल रहे कि आप हमारी कार यहीं पर छोड़कर चले जाओ। पूरा पेमेंट हमने तुरंत कर दिया, तो एक्चुअली उन्होंने कहा था कि आपको तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा, सारी चीजें ऑनलाइन हुई थी, ऑनलाइन पेमेंट भी किया हमने, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हो सका। तो पापा भैया भी सब गए कंप्लेन करने के लिए गोवा पुलिस स्टेशन में। लिटरली इस टाइम पे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है। हमने चेकआउट किया था, हमें वापस से चेक इन करना पड़ा, इतना ट्राई किया, इतने फोन कॉल्स किए हैं, कंपनी का एक रिप्लाई नहीं। अगर इस तरह से आप अपने कस्टमर्स को हैंडल कर दो तो फिर ऐसे तो आपकी कंपनी तो चलेगी ही नहीं ना, अगर स्कैम है। इसलिए हम जब यूट्यूब पे वीडियो देखे ना, मतलब इतने खतरनाक हमने स्कैम देखे ना, मतलब इसके शॉक हो गए हम कि भाई ऐसा भी होता है क्या। तो इस वजह से अब और इंडिया में इतना बड़ा स्कैम, मतलब कोई कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, हमें कहीं ना कहीं तो कुछ कुछ का एक्शन लेना ही पड़ेगा। एटलीस्ट कंज्यूमर कोर्ट में तो कंप्लेन कर सकते हैं ना। तो जब भी हम कंपनी को कॉल लगा रहे हैं, सबसे पहली बात, हमारे पास सिर्फ ओनर का नंबर है। ओनर को हमने कॉल किया, हमने बोला कि आप कंपनी का नंबर दो, क्योंकि हमें कंपनी का नंबर नहीं मिल रहा कहीं से भी। उन्होंने बोला उनके पास कंपनी का नंबर नहीं है। तो हमने वेबसाइट्स जूम कार की देखी, वहां से हमें कुछ नंबर्स मिले, हम उस पर कंटिन्यूस कॉल लगा रहे हैं, हमेशा कोई अलग अलग स्टाफ कॉल रिसीव कर रहे हैं, एंड दे आर लाइक आप वेट करो कितना, लाइक इट्स बीन मोर देन 24 आवर्स, हम कितना वेट करें नहीं समझ आ रहा है। एक तो सुबह सर सर मैडम मैडम करके थक गए, लेकिन एंड में जब कुछ नहीं हुआ तो रात को भी हमने करीब 3 बजे तक उनको कॉल करते रहे। आपने अभी तो कॉल किया था, आपको आधा घंटा रुकना पड़ेगा, 2 घंटे सर आपको वेट करना पड़ेगा। अरे कितना वेट करे, सुबह 4 बजे से कॉल करते करते रात के 3 बज गए, अब आपको आधा घंटा वेट करना, मतलब कुछ होता है। फिर लास्ट में बोलते हैं कि आज संडे सर, तो इस वजह से कुछ नहीं हो पाएगा, आपको मॉर्निंग में 9 बजे सब पता चल जाएगा, हम आपको कार अनलॉक करके देंगे। अरे कुछ लिमिट होता है किसी चीज का, मतलब तुम जो बोलेगे उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे क्या। एंड द प्रॉब्लम इज कि उनके जो 2-3 स्टाफ थे उन्होंने कहा कि आप कार छोड़कर चले जाओ। हम कार किस बेसिस पर छोड़कर जाएं कि बाद में वो कोई एलिगेशंस हम पर नहीं लगेंगे। जब उनके एक स्टाफ ने इस तरह कहा तो फिर हमने तुरंत कॉल रिकॉर्डिंग भी शुरू की कि ताकि सबूत हमारे पास कुछ तो रहना चाहिए, एटलीस्ट कॉल रिकॉर्डिंग तो होना ही चाहिए कि हमने क्या कहा और सामने वाले ने क्या कहा। So इतना तो प्रूफ होना ही चाहिए। प्लीज इन सारे स्कैम से बचो, नहीं तो हमारे से भी बुरा हाल हो जाएगा। एंड वी आर लाइक थैंक गॉड कि हम कोई जंगल वाले रास्ते पर नहीं फंसे थे। सो हियर द मेन टॉपिक इज, प्लीज इन सारे स्कैम से बचो। और
कल सुबह से सर हम हाँ कल सुबह से हम लोग सर फंसे हुए, अभी बताओ मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊँ। मैं कल सुबह से 4 बजे से फंसा हुआ हूँ। मैं आपकी कंपनी यही बोल रही है आधे घंटे में कॉल करेंगे। सर 10 बजे नहीं, मैं सुबह 8 बजे से कॉल किया हूँ, कल रात को, कल सुबह इतना कॉल किया हूँ, सब ये बोल रहे आधे घंटे में, 2 घंटे में, आधे घंटे में, 2 घंटे में। परेशान करके रखे, खोल नहीं रहे हैं। कल से हम लोग ऐसी जगह फंसे हैं ना कि सब बहुत बेकार है। अभी कल से वो लोग बोलते हैं आपको फोन आएगा। 2 दिन को ऐसे ही वेट चला गया है। मतलब नहीं ना सर, काय का आपका टीम कुछ नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है, एक भी टीम आपका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, वो मालिक से बात हो चुका है हमारा, उसने बोला अगर गाड़ी तुमसे स्टार्ट होता है क्या तो मैं इसको स्टार्ट करके मुंबई तक मैं लेके आ सकता हूँ। हाँ सर, मैं मेजर पे गोवा पुलिस में आया था, एक बार आप उनसे बात कर लीजिए ना। हेलो, क्या बात करूँ उनसे? हेलो हेलो भाई साहब। हाँ, ये आपका वो गाड़ी है जो, हाँ हाँ, अबे क्या कर देगा वो गाड़ी को, स्टार्ट नहीं हो देता। नहीं, उनको बोला था सर उधर ही रख दो करके, हम लोग देख लेंगे। हाँ, कल कुछ इश्यू हुआ तो पूछने के लिए इधर नहीं, नहीं होगा, हमारा आदमी जा रहा है उधर पिकअप करने को गाड़ी, उनको जाने दो मेरे। हाँ जाने दो उनको। हाँ नहीं, क्यों कल कुछ इश्यू हुआ तो इसीलिए वो आ रहे थे। नहीं नहीं सर, ऑलरेडी आदमी यहाँ से निकल चुका है, वहाँ पे पहुँच जाएगा, वो गाड़ी लेके आ जाएगा। ओके चलो। हाँ।